Hello everyone and welcome back once again in another session of summaries. देखे आज हम class 12 की जो English की flamingo book है उसकी एक poem A Thing of Beauty की summary discuss करेंगे. देखे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें for the sake of introduction क्या बता रखा है. This is a very beautiful poem written by a great British romantic poet John Keats. तो एक बहुत ही romantic poet हुए हैं, British मतलब English poet हुए हैं, John Keats उनका नाम था और उन्होंने बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत एक कविता लिखी है. It is an extract from his poem Endymion. A poetic romance published in 1818 year में उनकी एक poem आई थी, किताब कह सकते हो आप कि उनकी एक poetic किताब आई थी जिसका नाम था Endymion, a poetic romance, जिसका कुछ extract जो है वो लिया गया है और आपको यहां पर उसकी इस a thing of beauty की form में कुछ lines जो हैं as a poem present की गई हैं. The poet in this poem states that beauty is intransient. देखो intransient का मतलब क्या होता है? Permanent. तो स्थाई जो चीज हो, यहां पर basically poet ये कह रहे हैं कि जो सुंदरता होती है वो स्थाई होती है. यहां पर जो poet हैं वो physical charm की बात नहीं कर रहे हैं. जैसे हम कहते हैं ना कि सुंदरता मन की होती है तन की नहीं, तो यहां पर बेसिकली इस पोइम में इसी बात का जिक्र जॉन कीट्स ने किया है. एंड ही सेज एंड गिव्स अस द सेम जॉय अगेन एंड अगेन. तो सुंदरता जो है वो स्थाई होती है और हमें वो बार बार वही सेम खुशी प्रदान करती रहती है, कभी ना खत्म होती है. एक्चुअली उससे मिलने वाला जॉय बढ़ता चला जाता होता है. तो चलिए देखते हैं अब अकॉर्डिंग टू दी पोइम कि हमें क्या ब्यूटी बता रहे हैं. द पोइट सेज दैट ब्यूटीफुल थिंग इज द इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय. तो वो हमें आंतरिक खुशी प्रदान करती हैं. दीज थिंग्स आर वेरी सूदिंग. तो ये जो चीजें होती हैं ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं ये हमें बहुत ही ज्यादा कंफर्ट प्रदान करती हैं, हमारे लिए काफी सूदिंग होती हैं. जैसे पेड़ की ठंडी छांव कह लो, ये सब चीजें हमारे लिए खुशियां लेकर आती हैं. व्हेन वी लुक एट अ ब्यूटीफुल थिंग वी फॉरगेट आवर वरीज फॉर सम टाइम. तो यहां पर आपको क्या बता रहे हैं कि जब भी हम कोई खूबसूरत चीज देखते हैं तो एक टाइम के लिए हम हमारी चिंताओं को भूल जाते हैं. पेन्स एंड सोरोज आर अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ लाइफ. देखो जैसे हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारी लाइफ में सुख और दुख जो हैं वो भी दो पहलू हो गए. तो पेन्स को हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, दुख तकलीफें जो हैं वो एक हमारी जिंदगी का अनअवॉइडेबल पार्ट हैं. बट द जॉय गिवन बाय द ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव्स द पॉल ऑफ डिस्पायर फ्रॉम आर हार्ट्स. लेकिन जो खूबसूरत चीजों से मिलने वाली खुशी होती है, आनंद होता है, वो बेसिकली वो जॉय क्या करता है, वो हमारी पॉल ऑफ डिस्पायर का मतलब होता है, जब भी हम किसी दुख तकलीफ से गुजरते हैं ये तो हमें जो एक निराशा होती है ना एक सॉर्ट ऑफ, तो यहां पर उस उदासी को दूर करने की बात कह रहे हैं कि वो ब्यूटीफुल थिंग्स हमारी उस उदासी को दूर कर देती हैं. देखो यहां पर ना मैं आपको आपकी क्लास 10 की डस्ट ऑफ स्नो का जिक्र करवाना चाहूंगी. जैसे उसमें था कि जो पोएट थे वो कितने सैड थे, लेकिन जब वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर आकर गिरी तो वो भी एक नेचुरल प्रोसेस था ना, वो भी एक बाय नेचर ब्यूटीफुल थिंग थी ना, तो उसने मूड चेंज कर दिया था. तो ऐसा ही कुछ कंसेप्ट आपको यहां पर बता रहे हैं. नेक्स्ट देखो आपको क्या बता रहे हैं. नेचर इज अ स्टोर हाउस ऑफ ब्यूटी. तो जो हमारी प्रकृति है उसमें ब्यूटीफुल थिंग्स भरी पड़ी हैं, स्टोर हाउस है वो एक तरीके का. देयर आर मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन नेचर. दिस इंक्लूड्स द सन द मून द ट्रीज द फ्लावर्स एंड द रिवर्स एक्सेट्रा. तो ये कुछ चीजें आपको बताई गई हैं कि जो कि नेचर में मौजूद हैं और जो कि बेहद ही खूबसूरत हैं. ऑल दीज थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग. तो ये सभी चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव हैं. देखो अब आगे पोइट आपको क्या बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम नेचर यानी कि प्रकृति के अलावा
द वर्ल्ड ऑफ लिटरेचर ऑल्सो गिव्स अस प्लेजर. मतलब जो साहित्य है, लिटरेचर का मतलब साहित्य होता है ना, मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहां पर जो बड़े बड़े नॉवल्स वगैरह, फेमस नॉवल्स, स्टोरीज ये सब लिखी जाती हैं, तो वो रिटन फॉर्म में हमारे पास जो लिटरेचर अवेलेबल है, हम उन लिटरेचर्स को पढ़कर भी काफी प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं, इमेंस प्लेजर एंजॉय कर सकते हैं. The glorious achievements of heroes are as exciting as their fall and death. यहां पर आपको क्या बताया जा रहा है, देखो हमें हमारे जो फोर फादर्स एंसेस्टर्स की कहानियां हैं, या अगर हम सिंपली बात कहें तो हमें हमारे दादाजी दादी जी जैसे कई बहुत सारी कहानियां सुनाते होते हैं ना, फेमस स्टोरीज सुनाते होते हैं, तो एक तरीके से हमारे माइंड में कुछ हीरोइक मॉडल्स जो हैं वो दिमाग में बैठ जाते होते हैं, तो उनके द्वारा कुछ अचीवमेंट्स जो हैं वो हमें बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस उनकी जो फॉल है वो भी. अब जैसे मैं यहां पर अगर रानी लक्ष्मीबाई की एग्जाम्पल दूं, तो देखो हम कहानियां पढ़ते हैं तो उनकी कहानियों में उनकी अचीवमेंट्स का भी जिक्र आता है, प्लस किस तरह से वो डेथ हुई थी उनकी लड़ते हुए, वो सब जिक्र भी हमें काफी एंजॉय प्रदान करता है. तो देयर टेल्स गिव अस जॉय. तो सिंपल सी बात है यहां पर कि जो हमारे डिफरेंट रोल मॉडल्स हैं उनकी जो कहानियां हैं, चाहे वो उनकी जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक की जैसी भी हों, वो सब अचीवमेंट्स, वो सब कहानियां हमें जॉय प्रदान करती हैं, आनंद प्रदान करती हैं. दीज टेल्स आर एन इमॉर्टल फाउंटेन ऑफ एंडलेस जॉय. देखो एक फाउंटेन का जिक्र आता है स्याही वाले पेन से, फाउंटेन वाले पेन से, इंक पेन से, ठीक है. एक फाउंटेन का मतलब होता है फुहारा. तो यहां पर बेसिकली बात जो है वो क्या की जा रही है कि जो ये लिटरेचर लिखा गया है, जो हमारे डिफरेंट हीरोज हुए हैं या लिटरेचर राइटर हुए हैं उनके द्वारा जो ये फेमस बुक्स वगैरह लिखी गई हैं, वो एक्चुअली अमर हो गई हैं, वो कहानियां कभी खत्म नहीं. अब जैसे हम ये पोएम पढ़ रहे हैं, अब जॉन कीट्स अब मौजूद नहीं है, लेकिन हम उनकी ये पोएम पढ़ रहे हैं. तो क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा ये लिखा हुआ लिटरेचर, ये लिखे हुए पोएट पोएम्स जो हैं, वो कभी ना खत्म होने वाला हमें जॉय प्रदान कर रहे हैं. तो एक तरीके से ये इमॉर्टल हो गई हैं, अमर हो गई हैं ये कहानियां, ये इस तरह की स्याही से लिख दी गई हैं कि ये कभी ना धुंधली होने वाली बन गई हैं. They are like the heavenly drink offered to us. और इनके द्वारा ये लिखी हुई इनकी कहानियां, इनके द्वारा लिखे हुए इनके ये विचार जो हैं, वो ऐसा प्रतीत होता है कि स्वर्ग से एक कोई नेक्टर, कोई ड्रिंक जो है वो हमें ऑफर किया गया है, कि ये इस तरीके का रस प्रदान हो रहा है. जैसे हम पढ़ते हैं ना कि पढ़ने में कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, हम कहते हैं ना कि इसको पढ़ने में बहुत ही मजा आ रहा है, तो बेसिकली यहां पर बात की जा रही है कि जो ये लिटरेचर लिखा गया है, डिफरेंट बुक्स नॉवेल्स वगैरह जो लिखी गई हैं, और वो लोग जिन्होंने लिखी थी जो आज मौजूद नहीं है, हम रामायण पढ़ते हैं तो रामायण पढ़ने में इंटरेस्टिंग है, मजा आता है, दिल करता है पढ़ने का, तो वो क्या है, वो होली बुक्स जो हैं, डिफरेंट होली बुक्स जो हैं, वो एक तरीके से हेवन से, स्वर्ग से उतरा हुआ एक ड्रिंक महसूस होता है, जिसे हम पढ़कर काफी ज्यादा जॉय मिलता है, मतलब काफी एंजॉय करते हैं. अगर हम कंक्लूड करें तो हम बेसिकली क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी नेवर फेड्स अवे, कभी खत्म नहीं होता है. जो ब्यूटीफुल थिंग्स हैं उनसे मिलने वाला जॉय हमेशा बढ़ता चला जाता है. इट हैज दी पावर टू रिमूव डार्कनेस एंड नेगेटिविटी. और चाहे नेचर से मिलने वाली ब्यूटी कह लो, चाहे लिटरेचर से मिलने वाली ब्यूटी कह लो, ये अंधकार को दूर करती हैं, नेगेटिविटी को दूर करती हैं, हमें पॉजिटिविटी प्रदान करती हैं. तो मुझे उम्मीद है कि मेरी तरफ से ये जो छोटी सी एक कोशिश थी अ थिंग ऑफ ब्यूटी को समराइज करने की, ये आपको जरूर समझ में आई होगी, जरूर पसंद आई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. काइंडली लाइक द वीडियोज, शेयर द वीडियोज. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे.